दोस्तों तनुजा बुटीक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो बनी हुई कुर्ती रहती है उसका हम नाप लेंगे और इसके बेस पे हम दूसरी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कुर्ती को नापेंगे। इसका मेजरमेंट आपको मैं बताऊंगा शुरू से आखिर तक, आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम लंबाई को देखते हैं। लंबाई हम शोल्डर में सबसे ऊपर ये जो नेक बना हुआ है यहाँ पर हम टेप रखेंगे और इसकी लंबाई देखेंगे। जितनी भी लंबाई है हम इन सबको पहले नोट करते जाएंगे। जो भी नाप है इसकी 34.5 लंबाई है तो मैं इसको लिख लेता हूँ। इसके बाद हम इस कुर्ती को उल्टा कर लेंगे, फिर अंदर की तरफ से इसका नाप लेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो ऐसी जो कुर्ती जिसमें सल आता हो आप इसमें प्रेस कर लेंगे तो नाप लेने में ज़्यादा आसानी रहेगी। सबसे पहले हम इसका चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का नाप हम यहाँ से लेते हैं, आर्म होल के जस्ट नीचे से लेंगे। जैसे कि इसका मैं चेस्ट में देख रहा हूँ 19 इंच है तो हमें 19 इंच ही लिखना है। हम 19 इंच के हिसाब से लेंगे। यहाँ पर कमर 16 इंच है और जो हिप लेंगे हम, हिप का नाप ये जो देख सकते हैं आप चाक जो बना हुआ रहता है यहाँ से लेते हैं हम। ये 19 इंच यहाँ पर है। इस तरीके से हम 19 इंच चेस्ट, 16 इंच कमर और 19 इंच हिप नोट करेंगे और इस हिसाब से जब हम कटिंग करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी इस हिसाब से ही आपको कटिंग करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप अच्छे से नाप लेना सीख जाएंगे। अब हमें आस्तीन का नाप यहाँ से लेना है। ये जो सिलाई दिख रही है ऊपर, यहाँ से हम इसकी लंबाई लिखेंगे। मैंने इसकी लंबाई के बाद ये जो गोलाई रहती है हम उस हिसाब से ही लेते हैं। हम गोलाई का एक हिस्सा लेंगे यानी 4.5 लेंगे। ये गोलाई पूरी 9 इंच है इसकी। इसके बाद हम इसका आर्म होल देखेंगे। तो आर्म होल हमें ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमने फ्रंट की तरफ रखते हुए यहाँ पर रखना है। ये जो यहाँ पर सिलाई जो पहले से करी हुई है यहाँ पर हम इस तरीके से नापेंगे तो ये यहाँ तक 8.5 इंच आ रहा है फ्रंट में। और पीछे वाला हिस्सा हम देखेंगे तो इससे 1 इंच कम रहता है, 7.5 इंच ये वाला। तो 7.5 और 8.5 यानी 16 इंच हम आर्म होल लिखेंगे। और हम इसके बाद शोल्डर का नाप लेते हैं। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से लगा के हम यहाँ तक देखेंगे। पहले ये वाला हिस्सा 5 इंच आ रहा है यानी दोनों हिस्से 5 यानी 5-10 इंच, और जो गला रहता है यहाँ पर ये 6 इंच गला है यानी 16 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर लेना है। अब आप चाहें तो इसका जो दामन है उसको भी लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका नाप। अब दोस्तों मैं इसका कटिंग करने का तरीका बताता हूँ आपको। ये जो कपड़ा है ये 2 मीटर कपड़ा है, आप इस तरीके से इसको बिछाना है। ये मैंने यहाँ पर पहले इसको मैं मेज़र करके दिखा देता हूँ। ये 2 मीटर का कपड़ा है। ये हम टेप लेंगे, डबल मैंने बिछाया है तो ये 39.5 इंच आ रहा है एक साइड से यानी डबल में 2 मीटर कपड़ा है। हम एक साइड से इसको ऐसे रखेंगे, जो भी आप का नाप रहेगा उस हिसाब से आप इसको बिछा लेना। दोस्तों इसमें आप दो चीज़ सीखेंगे, एक तो आप नाप की कुर्ती से नाप कैसे लेते हैं और दूसरा ये कि आप कुर्ती करने का सही तरीका भी सीख जाएंगे, यानी आपको इसी के अंदर कुर्ती कटिंग करने का सही तरीका भी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो आर्म होल है, आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने इसमें 8.25 इंच तक निशान लगाया है और यहाँ पर हम जो कमर का निशान लगाते हैं आर्म होल के बाद यहाँ पर आप 5.5 इंच लेना है गैप, और कमर से लगा के हिप में मैंने यहाँ पर 6 इंच रखा है। आप इसमें इसको ध्यान रखिएगा, आप सब तरीके की जो कुर्ती है आप आसानी से कटिंग कर लेंगे। यानी आर्म होल के बाद कमर तक 5.5 इंच और कमर से हिप तक आप 6 इंच बीच में गैप रखेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जो 16 इंच लिया था हमने तो हमें आधा यानी 8 इंच पर निशान लगाना है और 8 इंच ही पर ही यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है। 1 इंच नीचे निशान लगाकर इस तरीके से
स्केल की हेल्प से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे, यानी 6 इंच गला था तो हमने 3 इंच यहाँ पर निशान लगाया है, और इस तरीके से हल्का सा डिप देके निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का जो नाप मैंने आपको दिखाया था वो उसमें कुछ भी लूजिंग नहीं छोड़ना है, यानी 19 इंच था तो आप उससे आधा इंच लगा लेंगे, और कमर इंच जितना था 16 तो आप यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर जो हिप हमने 19 लिया था यानी आप 9.5 इंच पर यहाँ पर लगा लेंगे। इसमें आपको कुछ भी अलग से मार्जिन छोड़ना नहीं है, जो निशान लगाया था उसी के हिसाब से ही निशान लगाना है। यहाँ हम एक्स्ट्रा कपड़ा के लिए यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हम गोलाई में शेप देंगे, एक शेप हमें नीचे और एक शेप हमें ऊपर की ओर देना है। आर्म होल अगर हम देखेंगे, मैंने आपको वहाँ बताया था 8.5 इंच फ्रंट में और बैक साइड 7.5 इंच, तो उस हिसाब से 16 इंच तैयार आ जाएगा। यहाँ पर जितना रहता है एप में, हम यहाँ पर भी इतना ही निशान लगाते हैं और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। अब हम एक हिस्सा अलग कर लेंगे, यानी बैक वाला हिस्सा और फ्रंट वाला हिस्से में जो अभी ये हमने निशान लगाया है अंदर की ओर आर्म होल वाला, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसकी आस्तीन की कटिंग करना है, तो आस्तीन को हम इस तरीके से रखेंगे। ये मैंने दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग कर रहा हूँ, आप चाहे तो सिंगल काट सकते हैं, लेकिन दोनों काटिएगा एक साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने इस तरीके से रखा है ताकि ये कपड़े में क्या जॉइंट भी आएगा, क्योंकि इतना कपड़ा नहीं बचता है कभी कभी, इस वजह से हमें इस तरीके से रखना होता है। यहाँ पर देखिएगा आप 8 इंच में आ रहा है आर्म होल में, तो 8 इंच ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब इसकी जो हम लंबाई लेंगे, जो उसमें हमने लंबाई जितनी भी रहती है उससे 2 इंच बढ़ा के यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ गोलाई जो हमने 9 इंच रखना था 4.5 इंच रखा है, और यहाँ पर जितनी लंबाई रहती है उससे हम यहाँ 3 इंच कम लेते हैं, और ऐसे हमें शेप देना होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इस तरीके से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली, और इसकी जॉइंट की भी हम कटिंग कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।